केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने आए बिहार के गोपालगंज जिले के एक मुन्ना भाई को रविवार की सुबह एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में स्थित इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज सेंटर में दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया। एसटीएफ ने आरोपित यतीन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि वह जिस युवक की जगह बैठने वाला था वह फरार हो गया है। एसटीएफ उसकी तलाश कर रही है। आरोपी की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के भुजौली कला गांव निवासी यतीन्द्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें, रविवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा में सॉल्वरों के बैठने को लेकर एसटीएफ के पास सूचना थी। इसे लेकर एसटीएफ की टीम गोरखपुर जिले के सभी सेंटरों पर निगरानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान जांच में पता चला कि शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज के सेंटर पर एक सॉल्वर परीक्षा में बैठने वाला है। दो पालियों में होने वाली परीक्षा की पहली पाली में रविवार सुबह 9:30 बजे के करीब परीक्षा शुरू हुई। कुछ देर बाद एसटीएफ ने सॉल्वर को दबोच लिया। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि प्रयागराज के प्रतीक सिंह की जगह वह परीक्षा देने आया था। पूछताछ में सॉल्वर यतीन्द्र ने बताया कि परीक्षा में बैठने के लिए उसे 50,000 रुपये मिले थे। एसटीएफ टीम ने आरोपित यतीन्द्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर रामगढ़ताल थाना में दाखिल कर दिया है। सीटेट का एग्जाम दे रहे थे, प्रतीक कुमार सिंह की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। अब कहाँ से आए हो? विजयपुर ग्राम भजौली कला जिला गोपालगंज से। कितना पैसा लिए थे पेपर में बैठने के लिए? तय हुआ था पहले पूरा 50,000 देने के लिए, जिसमें पहले ही जरूरत था। तो मेरे अकाउंट में 20-25,000 दे चुके हुए थे। दो चार लॉकडाउन में ही दिए थे। इसके पहले भी कहीं परीक्षा दी हो? इसके पहले पिछले साल एक बार ईपीटेट में दिए थे, लेकिन एग्जैक्ट हमको कैंडिडेट का नाम याद नहीं है, इलाहाबाद में दिए थे। ये काम कब से कर रहे हो परीक्षा देने का इस तरह का? 2017-2015 से पास आउट होने के बाद 1-2 साल जो अच्छा।